आंखों पर सियासत का असर देख रहे हैं, आंखों पर सियासत का असर देख रहे हैं, किस ओर लगी आग किधर देख रहे हैं। और अभी मैंने कुछ दिन पहले नेता सदन को एक दूसरा खेल खेलते देखा, पता नहीं किसने बॉल की और एक टप्पा, दो टप्पा, तीन टप्पे के बाद भी बल्ला हवा में घूम गया। अरे नेता सदन, कैसे खिलाड़ी हो आप, तीन टप्पे के बाद गेंद पे नहीं मार पा रहे हो। एक स्पीकर पे आवाज आ गई, आप इतने नाराज हो गए। लेकिन इसी सदन में कोई खैनी खा रहा था, आप नाराज नहीं हुए। अभी आपका विभाग आएगा और चाचा भी हमारे साथ हैं आपके विभाग के लिए कि बताओ नेता सदन अपने गोरखपुर में अभी तक नाला नहीं बना पाए कि नेता सदन ये कहते हुए जनता से जा रहे हो टीवी के चैनल के सामने कि ये स्टेडियम मैंने नहीं बनाया, ये स्टेडियम मैंने नहीं बनाया। सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में 15 जून 2017 को यूपी की सड़कों गड्ढा मुक्त बनाने के लिए फैसला ले लिया जाएगा। कोई जिस पेपर आप, को आप पूछ लीजिए जिस पेपर को, इसीलिए मैंने, आपने सुना नहीं लगता, आप हेडफोन लगाए नहीं थे। आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है, आपकी पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी क्या है? आपने कहा 5 करोड़ देंगे विधायक निधि, आपकी पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी क्या है, क्या है पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी? हमारे माननीय सदस्य को ये तो बता दो टैबलेट, स्मार्टफोन, लैपटॉप क्या होता है? अरे वो इंजीनियर, उनको मालूम है, एमटेक एमबीए है वो। वैसे हमारे नेता सदन बहुत अच्छे खिलाड़ी लगते हैं मुझे, अभी कुछ दिन पहले पूरी दुनिया के लोग टीवी के सामने बैठे थे और दुनिया के लोग एक खेल को देख रहे थे। मैंने किसी को खेल अकेले देखते हुए नहीं देखा, हमारे नेता सदन टीवी के सामने अकेले बैठ करके कुछ देख रहे थे। लेकिन नेता सदन का मैंने दूसरा खेल भी देखा है। मैं नेता सदन को बताना चाहता हूं, फुटबॉल का मैच अकेले नहीं देखा करते, फुटबॉल का मैच अक्सर लोग, ज्यादातर लोग एक ग्रुप में बैठ करके देखते हैं और जिस टीम को वो सपोर्ट करते हैं उसकी वो ड्रेस पहन के बैठते हैं। मुझे नहीं पता नेता सदन किस टीम को सपोर्ट कर रहे थे आप, उस दिन तो नहीं पूछ पाया मैं, क्योंकि पूछ भी नहीं सकता था मैं, रात था, रात तक मैच चला था। और मैं यकीन से अध्यक्ष जी कह सकता हूं मैच खत्म होने से पहले हमारे नेता सदन सो गए होंगे। क्योंकि जो मैच बना वो मैच तब बना जब दूसरी टीम ने गोल कर दिया, वरना मैच का आनंद नहीं था, मैच में आनंद नहीं था। और अभी मैंने कुछ दिन पहले नेता सदन को एक दूसरा खेल खेलते देखा, पता नहीं किसने बॉल की और एक टप्पा, दो टप्पा, तीन टप्पे के बाद भी बल्ला हवा में घूम गया। अरे नेता सदन, कैसे खिलाड़ी हो आप, तीन टप्पे के बाद गेंद पे नहीं मार पा रहे हो। मैं उस स्टेडियम में एक या दो बार गया हूं, अध्यक्ष महोदय मुझे खुशी इस बात की कि बनाया समाजवादियों ने, लेकिन स्टेडियम में ज्यादा नेता सदन गए हैं। मैं नहीं गया, मैं केवल पहला क्रिकेट मैच देखने गया जब ये भी खिलाड़ी लगता है किसी बात के, किसी खेल के खिलाड़ी हैं भी, कहीं खैनी वाले खिलाड़ी तो नहीं हो? अध्यक्ष महोदय आपको तो याद होगा आपके सदन में क्या हो रहा था, एक स्पीकर पे आवाज आ गई, आप इतने नाराज हो गए। लेकिन इसी सदन में कोई खैनी खा रहा था, आप नाराज नहीं हुए? मैंने देखा नहीं था। अब अध्यक्ष महोदय ये बात तो मैं नहीं मानूंगा क्योंकि जो वीडियो मैंने डाला, हालांकि मुझे नहीं डालना चाहिए था, माननीय सदस्य होंगे, हालांकि ये जमाना ऐसा है कुछ दिखावे का भी है, तो मैंने जब वीडियो डाला तो 1 मिलियन व्यू आ गए। ये नया जमाना है, हमारे पीडब्ल्यूडी मंत्री समझते होंगे नए जमाने को।
अभी आपका विभाग आएगा और चाचा भी हमारे साथ हैं आपके विभाग के लिए। और मैंने जब नेता सदन को स्टेडियम में जाते देखा, खुशी मनाते हुए देखा, तो मैं बहुत दूर था, मैंने टीवी पर देखा कि नेता सदन ऐसे करते हुए जा रहे थे, तो मैंने यही कहा कि नेता सदन ये कहते हुए जनता से जा रहे और टीवी के चैनल के सामने कि ये स्टेडियम मैंने नहीं बनाया, ये स्टेडियम मैंने नहीं बनाया। और मैं तो नेता सदन से कहूंगा, और नेता सदन वो बात भूल गए होंगे आप, जब मैंने बजट देखा मुझे दुख हुआ इस बात का, जब मैं और आप उस सदन में पहली बार मिले थे तो नेता सदन मैंने ये कहा था कि गोरखपुर का कुछ काम कर लेना, नहीं तो 5 साल ऐसे ही चले जाएंगे, आपका गोरखपुर वैसा ही रह जाएगा। जब मैंने नाले का बजट देखा तो मुझे दुख हुआ कि बताओ नेता सदन अपने गोरखपुर में अभी तक नाला नहीं बना पाए। और फिर स्टेडियम ही बना देते, स्टेडियम क्यों नहीं बनाया अपने गोरखपुर में, स्टेडियम ही बना देते। अगर लखनऊ राजधानी में स्टेडियम बना है, क्योंकि मैं ये बात और जगह की नहीं कह रहा हूं, मैं राजधानी के लिए कह रहा हूं, ग्रीन पार्क के लिए कह रहा हूं, कानपुर में कम से कम गोरखपुर में एक ऐसा स्टेडियम बना देते जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय मैच करा सकता। आपको अपनी नुमाइश अपने मेले में खाली छूट सीटें जो छूट गई शायद स्टेडियम भरा मिलता आपको। और अगर आपने अपने यहां नहीं बनाया स्टेडियम तो कम से कम क्यूटो में बना देते। माननीय सदस्य क्यूटो कहां है, सत्ता पक्ष के लोग बता दें, ये क्यूटो कहां है। और अध्यक्ष महोदय मैं आपसे निवेदन करूंगा कि क्यूटो के लिए एक डेलीगेशन बनाइए, हम लोग जाना चाहते हैं। जब इतने मंत्री लोग जाने कहां कहां घूम आए तो क्यूटो क्यों नहीं, और क्यूटो में ही स्टेडियम बना दिया होता एक, तो अंतर्राष्ट्रीय मैच हो जाते। खैर थोड़ा बहुत खेल का काम आपके यहां हो रहा है, लेकिन अभी भी गोरखपुर देवरिया महाराज के बच्चे उस स्विमिंग पूल का इंतजार कर रहे हैं, वहां इटावा और सैफी के बच्चे नहीं स्विमिंग कर रहे हैं, मेरा परिवार का कोई स्विमिंग नहीं करने जा रहा है। और आप सूची मंगवाइए, मुझे नहीं पता खेल मंत्री कौन है, अरे वो क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, आप कुछ करोगे, अरे वो चित्रकूट में आप ही थे ना, चित्रकूट में आप ही थे ना, किससे डर के भागे थे आप, पता नहीं क्या हो गया था वहां पर, किसी को याद हो तो बताओ, आप बता दो, हमें तो याद नहीं है क्या था मामला। सोचिए आप, नेता सदन यहां की मेट्रो पे तो आप बैठे होंगे उद्घाटन का, उद्घाटन करने के लिए कम से कम गोरखपुर में तो मेट्रो चलवा दो, मेरा भी निवेदन है आपसे। और हम विपक्ष के लोगों से जो आप सहयोग चाहें, एक सवाल नहीं पूछेंगे मेट्रो पे, आप मेट्रो चला दो गोरखपुर। और अपने यहां नहीं चला रहे तो प्रधानमंत्री जी क्या भी नहीं चला रहे, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। प्रदेश में 6 एम्स की स्थापना होगी, और आपसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा, गोरखपुर के एम्स की स्थापना के लिए समाजवादी सरकार में ही जमीन उपलब्ध कराई गई थी, और यह धमकी मिली थी कि अगर जमीन नहीं देगी सरकार तो ये एम्स किसी और प्रदेश को दे दिया जाएगा। और उन व्यक्ति को नेता सदन बेहतर समझते होंगे जो जमीन दी जा रही थी, जो हाईकोर्ट में पीआईएल कराए थे, वो किन के सहयोगी समर्थक थे। फिर मुझे मजबूरी में, क्योंकि अगर एम्स चला जाता तो बड़ी न्यूज होती, समाजवादियों का नुकसान होता, उस अथॉरिटी की अधिकारी कीमती जमीन नहीं देना चाहते थे। अध्यक्ष महोदय कीमती जमीन बिना पैसे के दे करके वहां एम्स समाजवादियों की देन है, और वही नहीं रायबरेली का भी देन है, रायबरेली का भी एम्स अगर किसी की वजह से बना है, अरे इतना डर के ताली बजाते एम्स के लिए, उन्हें यह संकोच लग रहा होगा कि जो बात मैं कह रहा हूं वो सच है कि नहीं है,
लेकिन नेता सदन से अच्छा कुछ नहीं बोल सकते। बोलो वो किसका आदमी था जो प्याल करके कोर्ट से जमीन रुकवाया था? और एम्स रायबरेली में किसने बनाया? समाजवादियों ने जमीन दी तब जाकर के बना। और 6 एम्स की स्थापना होती, कहां है एम्स? ये एक पुराना डायलॉग है अध्यक्ष महोदय। सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में 15 जून 2017 को यूपी की सड़कों गड्ढा मुक्त बनाने के लिए फैसला ले लिया जाएगा। एक लोक गायक, आपको तो खुशी मनानी चाहिए, लोक गायक कोई अच्छा गाना गा रहा, ठीक है, हमारे खिलाफ भी गाना लोग गाते हैं यूपी में, कावा आपने नोटिस दे दिया? यकीन करो नेता सदन, अगर कोई कविता हमारे खिलाफ बनाता हम बुरा नहीं मानते। और मैं पहला शायद मुख्यमंत्री हूंगा, मैं पहला, हो सकता अगर आपकी जानकारी में तो बता देना, जिसने अपने कार्टून की किताब छपवाई थी। ए, कार्टून ना समझना, तुम्हारा जिंदगी में नहीं बनेगा, आएगा कैसी जगह पर ये मत समझना, क्योंकि तुम खुद कार्टून हो। अरे कार्टून का कार्टून कैसे बनेगा? खुद ही कार्टून हो। नहीं आपको नहीं अच्छी लग रही है? नहीं आप तो वित्त मंत्री है ना, अभी आपके भी मेडिकल कॉलेज पे आऊंगा मैं, पेपर अभी आ रहा हूं मैं मेडिकल कॉलेज, पेपर का रेफरेंस तो बताएं, कहां का पेपर? अच्छा पेपर बता दें, ये नहीं मानेंगे इंडिया टुडे पढ़ दूं? इंडिया टुडे नहीं, पेपर को उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है उसकी? ये ऑथेंटिसिटी आप अपने अधिकारियों से पूछ लीजिएगा, कोई जिस पेपर आ, को आप पूछ लीजिए जिस पेपर, इसीलिए मैंने, आपने सुना नहीं लगता, आप हेडफोन लगाए नहीं थे, जिस पेपर मैंने कहा कि ये बहुत ही क्रेडिबल एजेंसी है जिसके तहत मैं बोल रहा हूँ, जिस पेपर को कोट कर रहे हैं उस पेपर का कम से कम नाम तो बताना चाहिए। नहीं नहीं आप अपने अधिकारी पढ़े लिखे हैं उनसे पढ़ लेना, अधिकारियों से क्यों नहीं पूछना यार? क्रेडिबल एजेंसी, क्रेडिबल आपको बताते हैं, क्रेडिबल एजेंसी कहीं से, उस एजेंसी का नाम भी तो हो, कोई एजेंसी का नाम बताया जाए। पढ़ दें क्या? नाम पढ़ दें, नाम बताना, पढ़ दें नाम बताना चाहिए। अच्छा नाम इसलिए नहीं पढ़ रहा, नहीं एक मिनट, नाम इसलिए नहीं पढ़ रहा हूं, अभी कांग्रेस के नेता जा रहे थे हवाई जहाज से, आपकी पुलिस पहुंच गई वहां, उन्हें हवाई जहाज में नहीं बैठने दिया, क्योंकि वित्त मंत्री जी को यह दिक्कत है कि मुख्यमंत्री जी अगर अकेले में डांटे ना मुझे, फाइनेंशियल इंक्लूजन में आप कहां खड़े हैं? पेपर जब सदन में पढ़ा जाता है तो उसकी क्रेडिबिलिटी उसके बारे में बताया जरूर जाता है, मान्यवर है, ये सदन की अध्यक्ष महोदय, मैं बता रहा हूं अध्यक्ष जी को बता रहा हूं मैं, हाँ मालूम होना चाहिए, कम से कम मैं बता रहा हूं, इसका डेट टुडे पढ़ूंगा मैं, पर अगर हो तो भेज दीजिए मुझे, हम टेबल कर दूंगा अध्यक्ष महोदय, मैं टेबल कर दूंगा, आप धन्यवाद आपने टेबल करने के लिए कहा, अध्यक्ष महोदय मैं ये जो रिपोर्ट है मैं टेबल कर दूंगा, जिससे और सदस्यों को भी मिल जाए, उनकी भी जानकारी में उसमें सहयोग करेंगे सरकार का, जिससे सरकार के अपने पैरामीटर्स ठीक हों। इसकी कोई क्रेडिबिलिटी है ही नहीं। ठीक है मुझे बोलने तो दो, और आपकी आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है, आपकी पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी क्या है? आपने कहा 5 करोड़ देंगे विधायक निधि, आपकी पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी क्या है? क्या है पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी, क्या है पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी आपकी? बजट देख ले, बजट हमने दिया है, दिया है बजट, क्या है पॉलिटिकल बजट में दिया है, बजट में दिया है, क्या है बजट में दिया है, क्या है फाइनेंशियल इंक्लूजन में? आप पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी की बात मत करो, आपने जो वादा किया 2017 का, क्या है आपकी पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी? आप चुनाव जीत जाओ लेकिन पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी नहीं है आपकी, आप चुनाव जीत सकते हो लेकिन पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी नहीं है, डेवलपमेंट की क्या क्रेडिबिलिटी है बताओ, कहां है आपका 20,000 फंड किसान के लिए? आपने कहां आलू खरीदा है बताओ, आप कहां आलू खरीदा आपने, 1 किलो आलू खरीदा तो बताइए, क्योंकि हमको इंगित करके बात कही जा रही है, जवाब देना जरूरी है हमारे, बोलिए जवाब दीजिए माननीय अध्यक्ष जी, ये इस सदन की हमने नहीं, जो हमारा संकल्प पत्र है माननीय, पहले भी संकल्प पत्र के हमने 98% वादे पूरे किए, 98%, और ये इस बार में आया, और इस बार भी
इस बार भी जितने वादे किए 130 वादे किए उसमें से 110 वादों पर काम किया है मानव। कल बाकायदा इस पर प्रेस किया गया मानव। यह है क्रेडिबिलिटी। ये लैपटॉप नहीं बांट सकते और नहीं बांटे इन्होंने, क्या वो पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी नहीं मानी जाएगी? अरे भाई लैपटॉप क्या होता है, स्मार्टफोन। ये भाई माननीय सदस्य अध्यक्ष महोदय मुझे आपने इतना कुछ बदलाव लाए हैं, इतना बदलाव आप लाए मैं आपको बधाई देता हूँ। आप टैबलेट ले आए यहाँ पर, बहुत सी चीज़ें बदली हैं आपने, टेक्नोलॉजी लगातार आप यूज़ कर रहे हैं। हमारे माननीय सदस्य को ये तो बता दो टैबलेट स्मार्टफोन लैपटॉप क्या होता है? अरे वो इंजीनियर, उनको मालूम है, एमटेक एमबीए हैं वो। देखिए अध्यक्ष महोदय, मैं ये जानता हूँ ये आलू नहीं खरीदेंगे, मैं ये जानता हूँ, क्योंकि सरकार धोखा दे सकती है, सरकार सच्चाई के से नहीं सामने आ सकती। आज जरूरत है आलू खरीदने की, जो आलू बेल्ट है हमारे माननीय सदस्य, मैं नहीं खड़ा हूँ क्योंकि मंत्री हैं, कुछ लोगों की मंत्री पद छिन जाएगा, किसी की कुछ छिन जाएगा, इसलिए कोई सच नहीं बोलेगा। अकेले में अध्यक्ष जी पूछिए आलू की हालत क्या है, कोई नहीं पूछने वाला। धान में लूट हो गई, आलू में लूट होने जा रही है। और आय दोगुनी की बात कर रहे थे, 22 से 23 आ गया, किसी भी किसान के किसी फसल की आय दोगुनी नहीं हुई किसान की। और लागत का हिसाब किताब लगाइए, ये डीजल पेट्रोल अगर महंगा हुआ है तो केवल डीजल पेट्रोल नहीं महंगा हुआ है, डीजल पेट्रोल के साथ साथ हर चीज महंगी हो गई, ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो गया, और ट्रांसपोर्टेशन महंगे का मतलब है हर चीज महंगी हो गई। एक महीने में बताइए आपने कितना डीजल पेट्रोल महंगा किया है, वो नहीं बताएंगे आप? एक नारा है, सबका सबका विकास, सबका विश्वास, सबका साथ सबका विश्वास, नारा है सबका साथ सबका विकास। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन में नहीं था लेकिन मुझे लगा कि यहां पर कुछ सरकार जवाब देने से भाग रही है। हम जितने भी विपक्ष के लोग हैं, हम सब जाति जनगणना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, हम जाति जनगणना चाहते हैं, और बिना जाति जनगणना के ये नारा आपका अधूरा है। सबका साथ कैसे होगा जब हमें और आपको नहीं पता कि हम कितने हैं आबादी में? सबका विकास कैसे करोगे आप? सबका विश्वास कैसे जीतोगे आप? और जब तक सबका प्रयास नहीं होगा ये प्रदेश आगे नहीं बढ़ेगा। मैं जाति जनगणना पर वैसे तो आजकल वो नेता हम लोगों से दूर हो गए हैं, कोई बात नहीं बोले तो वो नींद आ जाएगी अगर नहीं टोकेंगे तो। बोलते रहने दो ना, कुछ तो ठीक है, नहीं तो ये कुछ और करने लगे अध्यक्ष महोदय, फिर आपको डांटना पड़ेगा। किस पार्टी के नेता हैं आप? ना पार्टी का नाम तो पढ़ लूं मैं। आप जाति जनगणना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? नहीं, जाति जनगणना चाहते हैं कि नहीं? जातिवाद जनगणना चाहते हैं, लेकिन आपने उधर से भगा दिया हमको अपने साथ से। अच्छा नहीं, चलिए वो बात हमारी आपकी हो जाएगी, बात की बात। लेकिन ये बताइए, क्या आप जाति जनगणना चाहते हैं? 100% चाहते हैं। अरे कितने अच्छे लग रहे मंत्री बने हुए। इसी मंत्री के लिए गए थे वहां? नहीं, नाव मिलना ठीक है, नाव के लिए सर। क्या आप भी तो नेता हैं, क्या आप जाति जनगणना चाहते हैं? तो
आपस में बात नहीं करिए, मेरे से माने नेता मेरे कौन से बोधन करके करिए, आप लोग आपस में बात करेंगे तो फिर मेरा यहाँ बैठना मुश्किल है। बैठिए माननीय मंत्री जी, मेरे से बात करिए आप। अरे डॉक्टर संजय जी, अरे आप बैठिए माननीय मंत्री डॉक्टर संजय जी। अरे उनका ऐसे जवाब देने लगेंगे तो मेरा काम क्या, मेरा काम आप जवाब आ जाने दो तो अच्छा लगेगा। बाद में जब उनका मौका आएगा तब देंगे। संगति दूर होनी चाहिए जी, लोगों ने विसंगति पैदा कर रखी है कि हमें लटका रखा है, न हम पिछड़े में है न अनुसूचित में है, जब इनके पावर नहीं है। आप बैठिए माननीय मंत्री जी, आप बैठिए, आप बैठिए। अरे कौन के चक्कर में फंस रहे हैं, बैठिए, अरे बैठिए, अरे आप बैठिए, आप माननीय मंत्री जी बैठिए प्लीज। अरे मैंने नेता प्रतिपक्ष को बुलाया, आपको नहीं बुलाया, आपको आपका मौका आएगा तो बोलिएगा। अरे बैठिए मंत्री जी, अध्यक्ष महोदय मैं जानता हूं वो समर्थन कर रहे हैं दिल से, वो साथ हो सकते हैं लेकिन दिल से हम लोगों के साथ ही हैं। दिल पे क्या गुजर रही है वो बेहतर समझते हैं, और क्योंकि हम दोनों इंजीनियर हैं तो इंजीनियर इंजीनियर बात को अच्छी तरह समझते हैं। मुझे लगता है अपना दल भी यही चाहता है। अरे फिर आप खड़े हो गए, बैठिए माननीय मंत्री जी, बैठिए, जब आपका मौका आएगा तब बैठिए। नहीं नहीं अध्यक्ष महोदय ये बात तो, अरे बात आप देखिए आप बोल रहे हो कोई बीच में ना खड़ा, ये मेरी जिम्मेवारी है। ठीक है, लेकिन लेकिन मैं अपने लिए समर्थन तो जुटा सकता हूँ। नहीं आप बाद में जुटाइएगा। वो मैं बताऊंगा। और कोई दल बचा है हमारे साथी सहयोगी दल आरएलडी, हम और आप तो एक ही हैं, है? नहीं कांग्रेस ने तो किया ही नहीं। वो जो माननीय आशीष जी ने जो सवाल पूछा उसमें मैं बोलूंगा। हमारी पार्टी की माननीय सदस्य हैं और उनका एक अपना दल है, उनकी माताजी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और जातीय जनगणना पे मैं समझता हूँ आप भी सहमत हैं। वो दोनों तो एक ही है ना, अलग हैं। अच्छा बैठ, तो अब क्या दिक्कत है नेता सदन? मेरी आवाज नहीं आ रही। बिहार कर सकती है अध्यक्ष महोदय, चेक करें आवाज। अध्यक्ष महोदय जातीय जनगणना अगर बिहार में हो सकती है, अगर अध्यक्ष महोदय जातीय जनगणना बिहार में हो सकती है, और मैंने अपने संकल्प पत्र में लिखा था, अपने घोषणा पत्र में लिखा था समाजवादी सरकार बनेगी तो 3 महीने के अंदर जातीय जनगणना उत्तर प्रदेश की कराने का काम सरकार से होगा। और माननीय सदस्य ये सवाल जो पूछ रहे हैं, आपका सवाल ठीक है आशीष जी माननीय सदस्य का, कि आपकी सरकार में आपने क्यों नहीं किया। मुझे याद है मैं लोकसभा में था उस समय अध्यक्ष महोदय, नेताजी से लेकर के शरद यादव जी और दक्षिण भारत के सब नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और दक्षिण के जितने दल हैं, कांग्रेस पार्टी के अंदर जितने लोग थे, बहुत सारे लोग ये चाहते थे कि जब सेंसस हो रहा है तो जातीय जनगणना हो। उसमें उसके लिए लोकसभा में कई बार धरने पर आवाज उठाई गई, और उस समय कांग्रेस की लीडरशिप ने आश्वासन दिया था कि हम जाति जनगणना कराएंगे। पता नहीं क्यों उस सेंसस में नहीं किया गया, जब दोबारा सेंसस होने जा रहा है। इसलिए हमारी फिर मांग है कि जाति जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस की अकेली सदस्य हैं और हमारे गठबंधन की सहयोगी भी हैं, बहुजन समाज पार्टी भी। उन्होंने बोला नहीं, वो तो पूछ के आना पड़ेगा, वो सहयोगी उन्होंने बताया नहीं कि है। उन्होंने आश्वासन दिया था प्रधानमंत्री, अरे आपस में बात, सभी लोगों ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने आश्वासन दिया था, हमने आश्वासन में भरोसा कर लिया। इसलिए समाजवादी पार्टी इस पक्ष में है और बहुत सारे दल इस पक्ष में है, और उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है कि जाति जनगणना हो। आखिरकार सरकार पीछे क्यों हट रही है? और अगर आप जाति जनगणना के खिलाफ हैं तो आउटसोर्स व्यवस्था के खिलाफ क्यों नहीं है? आप प्रोडक्शन के खिलाफ क्यों नहीं है?
अगर आप आउटसोर्स के खिलाफ नहीं हैं, आप प्रेडेशन के खिलाफ नहीं हैं, तो आखिरकार आप जाति जनगणना के खिलाफ क्यों हैं? और नेता सदन ने कई बार प्रेजेंटेशन देखा होगा, कई बार प्रेजेंटेशन देखा होगा कि डेटा सेंटर हम बना रहे हैं, उसके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए भी कई लोगों से एमओयू हुए, कई चीजें जमीन पे भी आ रही हैं, नोएडा में डेटा सेंटर बन रहा है, बजट में भी कुछ चीज दिखाई दे रही है डेटा सेंटर के लिए। आप डेटा सेंटर कल बना रहे हैं, आपके यूपी का डेटा सेंटर क्यों नहीं है? और फिर जाति जनगणना हो जाएगी तो उसमें क्या दिक्कत है आपको? लेकिन हम समाजवादी लोग इसके पक्ष में हैं कि जाति जनगणना होनी चाहिए। ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी, यात्रा बहुत दूर दूर गए थे लोग, मुझे नहीं पता सबसे दूर कौन से लोग गए थे। सबसे दूर कौन गया था? कई घंटों की हवाई यात्रा से गए थे लोग, कई देश होकर के आए हैं, कई देश होकर के आए हैं। वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की बात आय भाषण में आई है, एक साल तो चला गया, अब चार साल बचे। दिल्ली की सरकार कुछ सहयोग नहीं कर रही है जितना करना चाहिए, और अगर दिल्ली की सरकार ने सहयोग किया होता तो आप न जाने कहां और पहुंच गए होते। आपने क्या कदम उठाए ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी के लिए, और किस किस देश गए थे आप? कई देश होकर के आए हैं आप। एक डेलीगेशन गया यूनाइटेड स्टेट्स, एक डेलीगेशन यूनाइटेड स्टेट्स गया था, मुझे नहीं पता, नहीं वो निकाल कर दिया अखबार ने, आगे नहीं गिरा, मेरे पास है वो, कुछ और चीज थी। एक डेलीगेशन गया यूनाइटेड स्टेट्स, एमओयू कर लिया कई हजार करोड़ का, बाद में पता लगा वो यूनिवर्सिटी ही नहीं है। नेता सदन, इनकी क्लास लीजिए आप। कौन गया था वहां यूएस? नेता सदन कौन गया था? कौन यूएस गया था? नहीं, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। यूएस गए थे, यूनिवर्सिटी से एमओयू कर लिया, लेकिन यूनिवर्सिटी है ही नहीं वहां पर। लेकिन मैं नेता सदन ये समझता हूं, ये मानता हूं मैं, जो भी किया हो उसे दोबारा प्रयास करना चाहिए था। कोई तो आ जाए यूएस यूनिवर्सिटी, जब हम आप अपनी यूनिवर्सिटियों को नहीं बेहतर कर पा रहे हैं, उस स्टैंडर्ड पर नहीं खड़ा कर पा रहे हैं। हालांकि नेक के बारे में आपने बोला है कि दो यूनिवर्सिटियों का अपग्रेडेशन हुआ है, लेकिन 84 यूनिवर्सिटियों में केवल दो ही क्यों हुई और क्यों नहीं हुई? उनके लिए भी प्रयास होता। मैं तो नेता सदन से कहूंगा जो यूएस गई थी टीम, उसको दोबारा यूएस भेजिए आप, और तब तक वापस मत आने देना जब तक वो किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से एमओयू न कर ले आए। नहीं, वो कुछ है उसमें काबिल, कभी कभी गलती हो जाती है, क्योंकि अध्यक्ष महोदय, बीजेपी का बहुत फंडामेंटल क्लियर था कि कोई भी सूट और टाई पहने बस उससे एमओयू करा लो। मैक्सिको, मैक्सिको गए थे लोग, ब्राजील गए थे, अर्जेंटीना गए थे, नीदरलैंड गए थे, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, स्वीडन, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, कनाडा, यूके, अमेरिका, दक्षिण कोरिया तथा जापान में गए थे आप लोग। ये जो जापान में डेलीगेशन अध्यक्ष महोदय गया होगा, वो क्यों तो नहीं गया होगा? आप थे उसमें बने, तो मुझे खुशी होगी अगर मैं बैठ जाऊं और आप क्यूटो के बारे में एक मिनट बता दो, हमारा वाराणसी और क्यूटो क्या है? हमारा वाराणसी क्यूटो बन रहा था, अच्छा है,
कोई तो क्यूटो हो आया, हम तो यहीं देखना चाहते थे क्यूटो। जो पहला आपका इन्वेस्टमेंट मीट हुई थी, आप मेला मत लगाइए। मेरा नेता सदन से यही, आप मेला मत लगाइए, आप मेला लगाते हैं। आप इन सब मंत्रियों को आपने कहा जाइए मेला घूमाइए, घूम के आ गए और आप क्यों नहीं जा पाए? मैंने अखबारों में पढ़ा था, हो सकता वो अखबार गलत लिख रहा हो, आप कोई ठंडी जगह जाना चाहते थे, बहुत ठंडी जगह जाना चाहते। नेता सदन ना जाएं, मैं आपसे ये कह रहा हूं, आपके कितने भी मंत्री चले जाएं, कोई भरोसा नहीं करेगा, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है जब तक नेता सदन की क्रेडिबिलिटी नहीं होगी। मैं एक दिन सड़क से जा रहा था, मैंने एक वीडियो बनाया खुद ही और मैंने एक वीडियो पोस्ट कर दिया, तो मेरे एक बहुत समझदार और जानकार, उन्होंने कहा कि ये वीडियो आपको नहीं डालना चाहिए था, नहीं डालना चाहिए था। बोली अच्छा नहीं लगता, इस इच्छा भी ठीक नहीं बनती। अरे मैंने कहा हमारा एक ग्रामीण भारत है, अरे डिवाइडर पे अगर कंडे रखे हैं तो क्या खराब रखा है, पूरा कंडा ही कंडा दिखाई दे रहा था। अरे हमारे गांव के लोगों को कोई जगह तो मिल गई जहां इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या खराब है उसमें, कितने एक्सीडेंट हुए हैं। और अध्यक्ष महोदय, यहां कुछ लोग ऐसे भी होंगे, माननीय सदस्य ऐसे भी होंगे जो किसी ना किसी घर में दुख में गए होंगे, सांड की वजह से जान गई है, खेत बर्बाद हुए हैं और कई महत्वपूर्ण लोगों की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। मुख्यमंत्री कार्यालय के एक अधिकारी का एक्सीडेंट इस जानवर की वजह से ही हुआ, नहीं जान बचा पाए। कई बार सड़क पे आप रफ्तार से जा रहे हैं, अचानक जानवर आ जाए, आप क्या करोगे आप? मैं खुद देखा हूं अपनी सड़कों पे कुछ हो गए, खुद मैं बसते बसते बचा हूं, फसल तो किसान की है ही बर्बाद लेकिन चलने वालों की भी जान जाती है। और पूरे देश में अगर एक्सीडेंट की वजह से और खासकर जानवर की, अन्य पशु जानवरों की वजह से अगर कहीं अध्यक्ष महोदय जान जा रही है तो वो उत्तर प्रदेश में जा रही, किसी और प्रदेश में नहीं जा रही है। और ये पोस्टर जो हमारे नेता लेकर के आए, कोई खराब पोस्टर लेकर के नहीं आए, पोस्टर का प्रदर्शन उचित नहीं करेंगे, कोई खराब चीज नहीं लेके आए हैं, हम सूची लंबी टेबल करेंगे ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस। अध्यक्ष महोदय, जिस तरह मैं ये एजेंसी की क्रेडिबिलिटी क्या है मैं टेबल करूंगा, मैं ये भी टेबल करूंगा कि जिनकी जानवरों से जान गई है वो कितने लोग हैं, जो हमें अखबार के माध्यम से, हमारे विधायकों की जानकारी के माध्यम से जो कुछ हासिल होगा हम टेबल करेंगे। और मैं मांग करूंगा सरकार से कि जिनकी जान गई है, जिन परिवारों के सदस्यों की, उनकी 10-10 लाख से मदद ये सरकार करे। क्योंकि जिन देशों को याद घूम के आ रहे हो, जिनमें आप ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी के लिए भटक करके आ रहे हो, किसी देश में सड़क पर सांड नहीं देखे होंगे, लेकिन कमाल का उत्तर प्रदेश है, 1 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का सपना देखने वाला स्टेट, सांड ही सांड दिखाई दे रहे हैं, राजधानी में सांड दिखाई दे रहे हैं, दुख की बात है। और क्या बजट दिया आपने, जब प्रधानमंत्री देश के बोल रहे हो कि इन जानवरों की समस्या का समाधान करेंगे, तो बताओ हम किस पे भरोसा करें? जनता ने भरोसा कर लिया लेकिन सांडों की संख्या बढ़ गई। जो MOU हुए हैं, इससे पहले वाला जो मेला लगा था इन्वेस्टमेंट मीट, उसमें भी बड़ा मेला लगा था और लगभग 4 लाख करोड़ के MOU साइन हुए थे। मैंने जानकारी हासिल की, पोर्टल पे देखूं आखिरकार कितने लोगों ने MOU किया, वो वेबसाइट ही नहीं चल रही है। अगर हम और आप जानना चाहें
कि किन लोगों ने एमओयू किया है, तो पूरी सूची नहीं मिल रही है। आखिर सरकार क्यों छिपा रही है? हमारे जितने माननीय सदस्य बैठे हैं उनके किसी डिस्ट्रिक्ट में कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं आया, 4 लाख करोड़ का किसी डिस्ट्रिक्ट में नहीं आया, और ये एक डिस्ट्रिक्ट के नहीं है, हर डिस्ट्रिक्ट के हैं। और मैं अगर उधर कहूंगा तो सब चिल्ला देंगे हाँ आया है। शाहजहांपुर में कौन सा इन्वेस्टमेंट आ गया पहले के अलावा वाला? लग गई चिमनी से धुआं तो नहीं लग रहा, चिमनी से धुआं तो नहीं लग रहा रोजा वाली चिमनी से। मैं दूसरी बात पूछूंगा उस पर भी पूछूंगा मैं अभी। जो 4 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट कहां है जमीन पर, कितना आ गया ये बता दें आप। और फिर इस बार कितने लाख करोड़ का एमओयू कर दिया, मेला लगा लिया वहां पर, आंकड़े कितने आए, 34 लाख करोड़, 34 लाख करोड़। मुझे तो लगता है कि भारत ने आविष्कार किया जीरो का, हमारे बीजेपी ने आविष्कार किया कि वह जीरो बढ़ाते जाओ। क्या थाना, क्या तहसील में क्या सुनवाई हुई होगी? सब अधिकारी एमओयू में लगे हुए थे, एमओयू करना है। जब दुनिया घूमाए वहां जो मिला सो मिला, फिर हर बड़े बड़े शहरों के डिस्ट्रिक्ट पे चले गए, बड़े बड़े शहरों में गए, वहां भी एमओयू कर लाए। फिर जिले में पता किया किसने काम किया है, किसने नया ठेका किया, कौन कोल्ड स्टोर लगा रहा है, कौन क्या कारोबार कर रहा है, बोला आप भी एमओयू के पार्ट हैं। नेता सदन आप जानकारी करिए, क्या जिलों में जो काम पहले से चल रहे थे छोटे मोटे काम उनको भी एमओयू में जोड़ दिया? कईयों से जबरदस्ती कहा गया कि अच्छा आप एमओयू नहीं करेंगे, उन्होंने एमओयू कर लिया। क्या क्रेडिबिलिटी है एमओयू की? चार 34 लाख करोड़ वो, और डिफेंस एक्सपो, मिसाइल बनेंगी, टैंक बनेंगे, तोप बनेगी, कॉरिडोर बनेगा, 5 साल देखते रह गए कहीं कॉरिडोर नहीं है। डिफेंस में क्या क्या आ गया इन्वेस्टमेंट, कितना इन्वेस्टमेंट आ गया? और फिर जो लोग करना भी चाहते होंगे वो क्या आप दोगे उन्हें, क्या पॉलिसी है आपके पास? एक तरफ तो एमओयू, इतने लाख, नौकरी कितने लोगों को मिलेगी, रोजगार कितने लोगों को मिलेगा? सरकार को सपने दिखाना बंद करना चाहिए। और $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, क्योंकि बजट पे भी मुझे बोलना है, बजट पे भी हमारी पार्टी के लोग बोलेंगे, जिस $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना देख रहे हैं, ग्रोथ रेट क्या होनी चाहिए स्टेट की? अब 4 साल बचे हैं, क्या ग्रोथ रेट हो आपकी उसके बारे में कौन बताएगा? वो तो सरकार ही बताएगी। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, क्या बजट था बता दें हमें, किस डिस्ट्रिक्ट का बजट था? ये हमारा माननीय सदस्य, जब मैं घर सदन में आया तो माननीय सदस्य हमारा बोल रहा था, विधायक जाहिद वेग, वहां बुनकरों की सुविधा के लिए और कारपेट के कारोबार के लिए एग्जीबिशन लग जाए, उसके लिए कारपेट मॉल, एक्सपोर्ट मॉल बनाया गया, मार्ट बनाया, उद्घाटन का उद्घाटन कर लिया, उससे कितना आगे बढ़ा दिया आपने, कितना एक्सपोर्ट बढ़ गया वहां पर, जो सुविधाएं 4 लेन की दी थी या फ्लाईओवर की दी थी कितना पूरा कर दिया आपने, उसको कितना आगे बढ़ा के ले गए आप? 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, कहां पहुंचा स्टेट? अगर ये 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट पे काम हुआ तो शायद GDP बढ़ी होती, जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट पे ही काम नहीं हुआ है, तो क्या है आपका ये इतना बड़ा जो सपना दिखा रहे हैं $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का, कैसे पूरा होगा? क्योंकि ग्रोथ रेट तो कुछ भी सरकार बता सकती है, और जो इन्वेस्टमेंट होता भी था थोड़ा बहुत, कामधेनु योजना बंद करा दी, पोल्ट्री वाली बंद करा दी,
जो वैल्यू एडिशन थी किसान के लिए, और बिना एग्रीकल्चर सेक्टर के, बिना एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए आप लिए साथ, आपको ग्रोथ हासिल नहीं होगी। 1,00,000 करोड़ एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा आया है। कोई नई मंडी बनी हो तो बता दें हमें, कोई नई मंडी बनी हो तो बताएं, कोई बड़ी मंडी बनी हो जहां सुविधा ले सकें, और जो बनी भी नहीं थी उनको पूरा नहीं किया। और आज ही मेरे पास सरकार का ही कागज है, बताओ एग्रीकल्चर ग्रोथ लगातार नीचे जा रही कि नहीं जा रही ग्रोथ? 7% कहां 10% और कहां 7%? डेयरी के लिए क्या कर रहे हैं आप? आपने कहा कि उत्तर प्रदेश उत्पादन में नंबर एक है, उत्पादन और बढ़ सकता है। समाजवादी सरकार थी तो 3 अमूल आए थे उस समय, एमओयू हुए थे, और तीनों के तीनों जमीन पर है आज। आपने कौन सा नया प्लांट लगा दिया बताइए आप? बनारस भी समाजवादी सरकार का था, जो न जानता हो तो उसको दोबारा कागज दिखवा दीजिए, आप पता कर लीजिए। अब इनको आनंद भेज दीजिए डायरेक्टर से मिलने के लिए, एमडी से मिलने के लिए। आपके पराग की क्या स्थिति है? पराग को क्या कर रहे हैं आप? और यूपी का काऊ मिल्क प्लांट मैंने कन्नौज का में लगाया था, काऊ मिल्क प्लांट, उसमें टेट्रा पैकिंग थी, वो प्लांट कभी नहीं चला टेट्रा पैकिंग का। मैं एक दिन दौरे पर गया, मैंने कहा देखूं क्या हालत है इसकी। जब जाकर के मैंने देखा और मैंने वहां के अधिकारियों से पूछा कि ये काऊ मिल्क प्लांट है, इसमें मिल्क किसका है, कहां से प्रोक्योर कर रहे हैं आप मिल्क, क्या काऊ है उसका मिल्क है? बोला नहीं सर, हम मिक्स कर लेते हैं। सोचिए, काऊ मिल्क प्लांट में मिक्स करके दूध का प्रोडक्ट बना रहे थे, ट्रैक्टर पैकिंग की मशीन नहीं चली। और जब बाहर जाकर के मैंने देखा गेट के पास पटिया किसकी उद्घाटन की लगी थी, देश के। दोस्तों, यूपी की धुआंधार राजनीतिक खबरों के लिए भारत एक सोच को सब्सक्राइब जरूर करिए और बगल वाली घंटी जरूर दबाइए, क्योंकि अगर आप एक बार नोटिफिकेशन बेल दबा देंगे तो आपको हमारे नए वीडियो की सूचना बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगी, और आप जब चाहे जानकारी से भरा वीडियो अपनी मर्जी के मुताबिक देख पाएंगे। चलते हैं, जय भीम जय भारत।